अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूँ रूज मोहम्मद रिजवी अपने न्यू व्लॉग के साथ। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, टायर्ड भी हूँ। जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा मेरी शक्ल देख कर कि मैं टायर्ड हूँ, बट मैंने आने के बाद जो है वो सोचा कि आज कोफ्ता बनाऊँ, बिकॉज इसलिए चूँकि मैं जॉब करती हूँ तो मुझे मैं फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाती। तो मैं जो हूँ वो अलकबीर के मीट बॉल्स ले आई हूँ। मैं मसाला भून के इसके उसके डायरेक्ट उसके अंदर डाल दूँगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो हूँ इसको इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, और ये बहुत जल्दी आपके बन जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो इसी को स्टार्ट करते हैं जी गाइज। ये देखिए, हम लोगों को कोफ्ता बनाने के लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मैंने लिए हैं यहाँ पर दो मीट बॉल्स के पैकेट, अलकबीर के हैं। इसमें एक उसमें एटलीस्ट 20 मीट बॉल्स आपको मिलेंगे। तो आप लोग अगर मतलब यानी 6 से 7 लोग अगर आपके घर आ रहे हैं तो आप उसको आराम से सर्विंग के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने नमक लिया है हसबे जायका 1 टेबल स्पून। मैंने लाल मिर्च ली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। चुटकी भर जो है मैंने ज़ीरा लिया है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और कुछ दाने जो है 12-13 कर दीजिए या 15 कर दीजिए, गोल वाली काली मिर्च है, और नमक हसबे जायका 1 टेबल स्पून। यहाँ भरकर मैंने अदरक लहसुन लिया है 1 बाउल जो है वो 2 टेबल स्पून भर के मैंने जो है इसमें दही लिया है। 5 मैं इसमें प्याज लूँगी और दरमियाने साइज़ के। फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी आप लोगों की जी गाइज़। ये देखिए, मैंने प्याज जो आपको दिखाई थी 5 काट के, मैंने इसको 3 टेबल स्पून में ब्राउन करने रख दिया। हमको लाइट ब्राउन करना है तो अभी मैंने लाइट ब्राउन करने के लिए इसको रख दिया है। अच्छे से जब कलर आ जाएगा तो मैं हम लोग प्याज को निकाल कर अलग कर देंगे। जी गाइज़, ये देखिए एकदम अच्छे से कलर आ गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक डिज़ायर्ड पोजीशन है जो इसमें इसी सेम टाइम पर हम लोगों को इसको निकालना है। और जो है मैं इसको एक टिश्यू पेपर पर रख कर आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि इसका ऑयल सारा निकल जाए। देख सकते हैं, तो मैंने इस मिक्सी के अंदर जूसर में ब्लेंडर जूसर मिक्सर वट एवर यू वॉन्ट टू से, इसमें प्याज जो थे हम लोगों के ब्राउन हुए, 1 टमाटर और जो दही था वो मैंने इस मिक्सर में डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। ये देखिए, ये जो मिक्सी में मैंने जो ब्लेंड किया था मसाला सारा, ये जो अच्छी तरीके से थिक सी एक ग्रेवी जैसी है उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है रखने। और जितना भी लेफ्ट ओवर इसका वो था वो, क्योंकि हम इसके अंदर अभी वो भी डालेंगे, कोफ्ते डालेंगे, मसाले डालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी भी चाहिए। मैंने 1 कप इसमें पानी शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा उबाल कर इसके अंदर मसाले भी मैं अभी ऐड करने जा रही हूँ। सारे मसाले जितने मैंने लिए थे जब मैंने आपको सारे दिखाए थे, लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, ये गोल काली मिर्च और नमक, मैं इसमें सब शामिल करने जा रही हूँ। साथ ही 2-4 उबाल के बाद मैं इसके अंदर कोफ्ते भी डाल दूँगी। ये देखिए, सारे मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए। और इसके बाद जो है थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे हम लोग ताकि मसाले जो है वो सब एक जान हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा ये उबाल आ जाए तो हम लोगों के अंदर इसको कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने सिंपल इसके अंदर कोफ्ते डालने हैं, मीट बॉल्स जो हैं अलकबीर की मज़ेदार सी उसके अंदर शामिल कर देनी है। देखिए गाइज, ये अलकबीर के हैं मीट बॉल्स, ये मैं अब इसमें डालने जा रही हूँ 1 बाय 1। पहले 1 मैं डालूँगी, थोड़ा से बाहर निकले हुए थे तो डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बस सिमिलरली दूसरा भी पैकेट मैंने डाल दिया, डायरेक्ट आप डाल सकते हैं क्योंकि। और उसके बाद आपने देखे मज़े से इसके अंदर आपको चम्मच चला दें और फिर इसको अच्छे से अदरक लहसुन आपने शामिल करना है। मैं अदरक लहसुन भी डाल रही हूँ उसके साथ डायरेक्ट। उसके बाद 10 मिनट आपने जो है इसको पकाना है एंड डायरेक्ट ये तैयार हो जाएगा इसका, जब तेल ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही तेल ऊपर आ जाएगा ये डायरेक्ट तैयार हो जाएगा। मैं अभी इसमें अदरक लहसुन शामिल करने जा रही हूँ, अदरक लहसुन डालकर सिंपल बस मैंने इसको पकाना है जी गाइज। अभी आप देख सकते हैं इसमें तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, पूरे जो है वो मीट बॉल्स हमारे गल गए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 to 15 मिनट्स हार्डली लगता है, लेकिन सब तेल ऊपर आ गया है और यही मोमेंट है। हम लोगों को ग्रेवी भी इतनी ही रखनी है और इतना ही है। तो आप लोग जो है वो
इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे बताइएगा इसका टेस्ट कैसा है। मैं डिश आउट करके आप लोगों को फाइनल बताती हूँ। इसको आप तंदूर की रोटी, घर की रोटी और वाइट राइस के साथ आप लोग खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी और इजी रेसिपी है। इसको जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने ट्राई किया है, कैसी लगी। और सिंपल है और स्पेशली फॉर द वुमेन हु आर वर्किंग और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये जो है वो रेसिपी है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए मेरा पेज, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जो है वो मुझे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं जी। देखिए ये बस अब मैंने डिश आउट कर लिया, फाइनल जो है वो मैंने निकाल दिया है। ये देखें, तंदूर की रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। एकदम मज़ेदार सी ग्रेवी बनी है, तेल सब ऊपर अच्छे से जैसे आता है वैसे आ गया है। आप लोग देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मीट बॉल्स जो है वो सब हो गए हैं। हम लोगों के कोफ्ते का मज़ेदार सा सालन, आप लोग इसको ज़ीरा राइस के साथ, ज़ीरा राइस की रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है, मैं अगली अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। मगर ये कि आप लोग इसके साथ इसको सर्व कर सकते हो, मज़े से खा सकते हो। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए जो है मेरी तरफ़ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, और मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ।